हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में द स्टेज इज सेट फॉर बिग सीबीआई धमाका। जी हां दोस्तों, बिग सीबीआई धमाका के लिए स्टेज बिल्कुल सेट है, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, हालात बिल्कुल अनुकूल है और इससे अच्छा और हालात नहीं हो सकती है सीबीआई को अपना रिपोर्ट देने के लिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मार्च महीने में आपको कुछ बड़े बड़े और सनसनीखेज आपको खबर मिलेंगे और खबर मिलना ऑलरेडी शुरू हो गया है। लास्ट वीक से आपको कुछ बड़े बड़े खबर मिल चुके हैं और जैसा मैंने बोला था, एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ है दोस्तों, मोदी जी में, अमित शाह जी में और फडणवीस जी में एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ है और आप समझ सकते हैं कि ये तीन अगर मिलते हैं तो क्या गुल खिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े खबर आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में। आपको बता दूं, इमरजेंसी मीटिंग हुआ है मोदी जी, अमित शाह जी और फडणवीस जी में। रिसेंटली कल रात में, देर रात में ये मीटिंग हुई है और अभी जो हालात चल रही है, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये सब का डिस्कशन हुआ है इन तीनों में। तो यानी कि कुछ बड़ा डिसीजन आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों क्यों मैं कह रहा हूं स्टेज बिल्कुल सेट है सीबीआई के लिए, परमवीर सिंह आप जानते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से हटा दिए गए हैं। सचिन वाजे, जिन्होंने अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया था, वो अरेस्टेड हो गए हैं। अर्णब गोस्वामी फिर से पूछता है भारत शुरू कर दिए हैं और बहुत ही एक्टिव हैं और फिर से अपनी बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी इज बैक इन फॉर्म और बड़े बड़े वो अब एक्शन ले रहे हैं और खुलासे भी कर रहे हैं। एनसीबी का चार्जशीट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ फाइल हो चुका है। एनसीबी ने बेल भी चैलेंज किया है रिया चक्रवर्ती का और शौविक चक्रवर्ती का। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों स्टेज बिल्कुल सेट है। एडवोकेट विकास सिंह आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट भी बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई थी तो आज तो बहुत ही मैं कहूंगा कि आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि वी कैन इंटरफेयर इन बेल, यानी कि बेल अगर ग्रांट दिया हुआ है हाई कोर्ट द्वारा तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर ठीक ठाक पिटिशन किया जाए, ठीक ठाक सबूत पेश किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है और रिया चक्रवर्ती का बेल जो है ग्रांटेड हुआ है वो रद्द हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तो मैं पॉजिटिव देखता हूं। पहले मुझे लग रहा था कि चूक हो गई है एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये स्ट्रेटेजी था, पिछले मैंने आपको वीडियोस में बताया भी इसके बारे में। तो दोस्तों आने वाले दिन में जैसा मैंने आपको कहा था, मार्च महीने में आपको बहुत बड़े बड़े न्यूज़ सुनने को मिलेंगे। आज आपका हो गया 18 तारीख, अभी भी 10-12 दिन बाकी हैं, तो 10-12 दिन में आपको कुछ सनसनीखेज न्यूज़ मिलने वाले हैं। तैयार रहिएगा और सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए फाइट करते रहिएगा, पेशेंस रखिए। जैसा मैंने कहा था, अगर आप पेशेंस रखेंगे, फेथ रखेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगी। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।